देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। शनिवार की सुबह मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर सेलटेक्स विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर चोरी कर बाहर से माल लाने वालों पर छापेमारी की, जिसमें टीम ने लुधियाना दिल्ली से आए लाखों रुपए के माल को जब्त कर अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं इस कार्रवाई से व्यापारियों में खलबली मची हुई है। सेलटेक्स विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर शरद शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों द्वारा बाहरी राज्यों से कर चोरी कर माल को मुजफ्फरनगर लाया जा रहा है, जिसके चलते सेलटेक्स विभाग की टीम ने कल शाम से ही स्टेशन पर अपना जाल बिछा रखा था। शनिवार सुबह टीम ने कार्रवाई करते हुए स्टेशन से लाखों रुपए के माल के 200 नगों को जब्त किया। जब्त किए गए माल में होजरी कॉस्मेटिक जैसे माल शामिल है, जिसे लुधियाना और दिल्ली से कर चोरी कर मुजफ्फरनगर लाया गया था। सेलटेक्स विभाग की टीम ने इस सारे माल को जब्त कर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर पे कर चोरी का कुछ माल ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पे मुजफ्फरनगर के विशेष अभिशोधन शाखा और सचल दल की सभी इकाइयों के साथ कल शाम से यहाँ पे घेराबंदी करते हुए आज सुबह 7 बजे से एक साथ यहाँ पे छापेमारी की गई है और 200 से अधिक नग यहाँ पे बरामद हुए हैं, जिन पे जमा कर उचित रूप से जमा नहीं किया गया होगा और इसके हम यहाँ से सारा माल उठा रहे हैं और आगे कार्यालय ले जाकर इनकी जांच पड़ताल करके आवश्यक कार्रवाई की। कुछ माल दिल्ली से आया है, कुछ माल लुधियाना से आया है। ये 200 से अधिक नग है, अभी इसका पूरा भौतिक सत्यापन किया जाना शेष है और अभी हम लोग जो भी यहाँ पे माल पड़ा है सब उठवा रहे हैं, अभी सब लोडिंग करा लेंगे। संभवतः 200 से 225 नग के बीच में टोटल क्वांटिटी है। तरह तरह के अधिकांश माल हुजरी होगा, ड्राई फ्रूट्स होगा और हार्डवेयर भी होता है और इस तरह के विषाक्त खाने के तमाम तरह के माल हैं। पूरा डिटेल जब इनका हम लोग भौतिक सत्यापन कर लेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वस्त की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।